5G स्मार्टफोन वो भी इंडिया में इस टाइम पे, दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर 2020, अगर आप लेट वीडियो देख रहे तो अलग हो सकता है सिनारियो, बट दिसंबर जनवरी फरवरी इवन जुलाई तक क्या वो सही रहेगा? क्या आप गलती कर रहे हैं 5G लेके, या आप एक सही काम कर रहे हैं 5G फोन लेके, या आपको अभी 4G पे ही टिकना चाहिए? सब इस वीडियो में आंसर होगा। मैं एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि 5G फोन इंडिया में लेना सही है या नहीं। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मेरा नाम अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए 5G के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप टीवी देख रहे हैं, आप मैच देख रहे हैं, कुछ भी आपने लगाया, सीरियल मूवी जो भी लगाया, और बीच में किसी एक 5G फोन की ऐड आ जाती है, जैसे कि OnePlus Nord, जो कि आजकल ट्रेंड ही चल गया कंपनीज का कि मिड रेंज में 5G निकालना है, अभी तो लोअर रेंज में 5G लाएंगे। तो आपने OnePlus Nord की ऐड देखी जिसमें 5G है, Moto G आया है अभी जिसमें 5G है अगेन, और Realme का भी कोई फ़ोन आ रहा है, Realme 7 आई थिंक जो आ रहा है वो 5G के साथ आ रहा है। तो मतलब हर जगह 5G छाया हुआ और कंपनी सबको सेल करने की कोशिश कर रही है 5G, बट क्या 5G लेना इस टाइम पे दिसंबर जनवरी अप्रोक्सीमेटली जुलाई तक सही रहेगा या नहीं, देखते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं इस चीज़ का। सबसे पहले तो हम देखते हैं अभी जो कंपनीज हैं उनका क्या हाल है, जो 5G कंपनीज हैं उनका क्या हाल है, और यहाँ पे देखने के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, सिंपल दो कंपनीज को लेते हैं जो मेन कंपनीज हैं इस टाइम पे। वोडाफोन तो बिल्कुल 5G के गेम से बाहर है, उसको अभी रखो वोडाफोन आइडिया को, बट एयरटेल और जियो दोनों कंपनीज ने अपना ट्रायल जो है इंटरनली शुरू किया, मतलब उनके एम्प्लॉइज आई थिंक अभी टेस्ट कर रहे हैं, और अभी तक ये पब्लिक बीटा भी नहीं हुआ, मतलब पब्लिक के पास भी जैसे जियो ने अपना 4G ट्रायल दिया था वैसे अभी तक आया नहीं है। इसके अलावा इसका जो टेस्टिंग होनी है वो अलग से होनी है, और फिर जो रोल आउट होगा वो अलग से। अभी जो टेस्टिंग उसमें 3-4 महीने लगेंगे, और वो भी कुछ मतलब आपको लिमिटेड शहरों में देखने को मिलेगा, कुछ मेन शहरों में, कुछ बड़े शहरों में, वहां पे आपको थोड़ा मतलब देखेगा कि लोग जो है 5G टेस्ट कर रहे हैं, किसी भी शहर में जाके देखो, किसी घर में जाके देखो, थोड़ा लिमिटेड रहेगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, स्पीड अच्छी नहीं होगी, इवन रेंज भी अच्छी नहीं होगी, बट टेस्टिंग है तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ जायज़ है। और 3-4 महीने की टेस्टिंग के बाद, उसके बाद लोग जो हैं बोलेंगे, जब कंपनीज को मिलेगा फीडबैक मिलेगा, वो थोड़ा मेन स्ट्रीम में लॉन्च करेगी, वो बोलेगी या 5G लॉन्च हो चुका है, तो पहले बड़ी सिटीज़ में जाएगा, वहाँ पे एंटीनास लगेंगे, वहाँ पे लोग यूज़ करेंगे, फिर छोटी छोटी सिटीज़ में जाएगा, जैसे 4G का रोल आउट हुआ वैसे ही 5G का होगा। और ये सब होने से पहले भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी तक जो स्पेक्ट्रम है उसका ऑक्शन नहीं हुआ है। अब स्पेक्ट्रम क्या है, सिंपल जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, स्पेक्ट्रम मतलब अब 4G 5G जो है एयरवेव्स है बेसिकली, तभी आपके फोन में चलती हैं, उनको मतलब एयर के थ्रू भेजने के लिए ये डेटा जो भी है इंटरनेट चलाने के लिए आपका, मैं सिंपल बिल्कुल बता रहा हूँ, उसके लिए आपको एक स्पेक्ट्रम चाहिए होता है, एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, समझ लीजिए 600 MHz या कुछ ऐसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सही मत समझना इसको। तो वो उनको मतलब जो कंपनीज है वो गवर्नमेंट से खरीदना पड़ता है, मतलब अब ये नहीं है कि आज 5G चलाना है तो चलो मैं 600 MHz पे जाके डाल देता हूँ, यहाँ पर लोग 5G लाएंगे, ऐसा नहीं है। उनको एक लिमिटेड चीज खरीदनी पड़ती है गवर्नमेंट से, एक लिमिटेड बैंड या फ्रीक्वेंसी या स्पेक्ट्रम जो मर्जी आप कहना चाहो खरीदना पड़ता है, वो अभी तक उसकी ऑक्शन भी नहीं हुई है, वो अराउंड मार्च में होनी है, जो कि मतलब अभी पक्का नहीं है होगी कम नहीं होगी। मेरा पॉइंट ये है कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फाइनल नहीं हुआ है, कंपनी ने भी डिले कर दिया था जो लास्ट ईयर होने वाला था वो भी डिले कर दिया है यहाँ पे, और इसी पूरे झंझट में अभी तक हमारे पास कुछ 5G स्पेक्ट्रम का बैंड नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। तो मतलब अभी वो होगा, फिर देन इंटरनल टेस्टिंग के बाद जो पब्लिक टेस्टिंग होगी, देन जो मतलब ग्लोबल बोल रहा हूँ नेशन वाइड रोल आउट होगा, वो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मतलब आप ये लगा कर चलिए कि जुलाई तक तो खाली इंटरनल टेस्टिंग चलेगी और जो बैंड का ऑक्शन वगैरह होगा स्पेक्ट्रम का, देन जो बीटा टेस्टिंग चलेगी लिमिटेड सिटीज में, वहां कुछ लोगों के पास ही होगा, वो चलेगी मे बी अक्टूबर नवंबर, क्या पता दिसंबर, वो तो कंपनी पे डिपेंडेंट है, और फिर दिसंबर 2021 के बाद जाके थोड़ा बहुत रोल आउट शुरू होगा। तो मतलब आप 2021 तो निकाल लीजिए, और उसके बाद 2021 के बाद भी आप जिस शहर में रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, अगर तो आप किसी एक छोटे शहर में हैं तो वहां पर तो मिड 2021 में आएगा, अगर आप गांव में हैं वहां तो समझ लीजिए पता नहीं कभी आएगा, पर अगर आप शहर में तो ठीक है 2021 में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सेस मिल जाएगा 5G का, 2022 में। तो मतलब 2022 के बाद भी आपको सही 5G नहीं मिल रहा है, और अभी 2020 खत्म होने पे आया और आप 5G फोन ले रहे हैं, तो मतलब या तो आप बहुत बड़े धुरंधर हैं जो अपना फोन 2 साल से ज्यादा चलाएंगे, या फिर आप लोगों को मार्केटिंग में फंसाया गया है, जो कि मुझे लग रहा है सेकंड चीज जो है मार्केटिंग। तो इसलिए अभी पॉइंट ये आता है कि 2 साल के बाद जो है 5G सही तरीके से चलेगा और फोन अभी बेच रहे हैं, तो इससे साबित यही होता है कि अगर आप 2 साल या उससे ज्यादा फोन को चलाने वाले हैं तो डेफिनेटली फिर आप 5G के लिए मतलब फोन ले सकते हैं, 5G के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हैं, बट
वहां पर भी एक प्रॉब्लम है जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप आईफोन ले रहे हैं, आईफोन में इंडिया के लिए जो 5G है वो सपोर्टेड नहीं है, वो सिर्फ यूएस का सपोर्ट करता है 5G। तो अगर आप इंडिया में आईफोन लेके सोच रहे हैं मैं 3-4 साल चलाऊंगा, तो भाई उसमें 5G नहीं चलेगा। अभी तक तो एप्पल की ओर से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, मे बी वो अपडेट कर दे, बट फिलहाल ऑफिशियली इंडिया का 5G वो सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ यूएस का 5G सपोर्ट कर रहा है। तो एप्पल फैन बॉयज जो बोल रहे हैं हम तो 4 साल चलाएंगे, रुक जाओ, ठहरो सरा, थोड़ा देखो फोन्स को, थोड़ा एप्पल की तरफ से भी आएगा कुछ, तभी आपको पता चलेगा। अब दूसरी चीज इसी केस में हम चल सकते हैं कि एंड्रॉइड फोन जो 5G अभी सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो फ्यूचर में जाके वो भी जो है 5G सपोर्ट ना करे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर मतलब अब नॉट 5G वो कह तो रहे हैं कि वो सपोर्ट करेगा, वो चांसेस 95% चांसेस आप लगा सकते हैं कि वो सपोर्ट करेगा डेफिनेटली, बट कोई गारंटी नहीं है, मतलब 100% नहीं है। तो मतलब आज हो सकता है कि उन्होंने जो बैंड्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया उसके सपोर्ट दिया है, इंडिया में उसका ऑक्शन ही ना हो या कंपनीज वो खरीदे ही ना बैंड, तो मतलब एयरटेल या जियो जो भी आप यूज करते हैं वो खरीदे ही ना, और मतलब आपका वो पूरा फोन बेकार गया क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता 5G, आपने तो 5G के एक्स्ट्रा पैसा दे के लिए थे। तो मतलब इवन अगर आप 2-3 साल फोन चला भी रहे हैं आज का 5G फोन, जो कि वैसे बहुत मुश्किल है एंड्रॉइड के केस में, तो तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 5G यहां पर जो है यूज कर पाएंगे या नहीं सही तरीके से। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं हाईलाइट करना चाहता था और बताना चाहता था कि 5G सिर्फ नाम पे मत जाओ, फोन के नाम पे मत जाओ, पहले आप बस ये देखो कि फोन की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है नहीं, फिर 5G को देखो। और फाइनल एक और चीज जो मुझे दिमाग में ये आ रही है कि अभी जो 5G जो है बहुत ही महंगे फोन्स में है, या इवन थोड़े अपर मिड रेंज फोन में जैसे कि नॉट वगैरह में, और रियलमी 7 आ रहा है बट वो अभी थोड़ा लेट आएगा और उसकी परफॉर्मेंस अभी देखनी रहती है तो वो अभी साइड पे रखो, बट इवन जो मोटो G5G है वो भी आपको 21,000 में देखने को मिलता है, और फिर नॉट 25-26, और फिर तो फ्लैगशिप फोन्स ही हैं। तो मतलब अभी 5G सस्ता नहीं हुआ, जो कि फ्यूचर फोन्स में जाके सस्ता होगा क्योंकि वो जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी, मास थोड़ा प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली सस्ता हो जाएगा। तो अभी प्रीमियम देके थोड़ा मतलब 3-4 हज़ार एक्स्ट्रा देके, 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा देके एक 5G फोन लेना या अपना बजट एक्सटेंड करके अपना फोन लेना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा वेट करो सस्ता होने का। इवन जियो की बात चल रही है कि वो जियो अपनी जो है एक फोन निकालेगा किसी कंपनी के साथ मिलके, जो कि 5,000 के आसपास या मिड रेंज 10-15 हज़ार में होंगे और 5G सपोर्ट करते होंगे। तो आप देख सकते हैं मतलब फ्यूचर में फोन्स कितने ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं। तो अगर आप फोन एमरजेंसी में आपको नहीं चाहिए फोन, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो अगेन, और थोड़ा फोन सस्ते होने दो, थोड़ी 5G के बारे में न्यूज बाहर आने दो, एटलीस्ट ऑक्शन होने दो, क्योंकि ऑक्शन होगा तो कंपनीज जरा भी डिले नहीं करेगी टेस्टिंग में, क्योंकि उनको अपना 5G निकालना है, भाई हमारे पैसे भी तो चाहिए उनको, और 5G बिकता है और बिकेगा फ्यूचर में। तो अभी रुक जाओ 5G स्मार्टफोन के लिए, अगर आप बाय करना चाहते हैं 5G स्मार्टफोन, क्योंकि स्मार्टफोन अच्छा है तो वो अलग चीज है, वो बहुत अच्छी बात है, बट जस्ट बिकॉज उसमें 5G है, जस्ट बिकॉज आपको 5G चाहिए या कंपनी बोल रही है अभी 5G आने वाला है, मत सुनो उनको, 5G अभी नहीं आने वाला है। 2021 में आपको फुल ऑन 5G नहीं मिलेगा, और अगर आप किसी छोटे शहर में, आप 2022 के मिडल तक तो एटलीस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और 5G स्मार्टफोन के पीछे मत भागो, स्मार्टफोन के पीछे भागो, 5G स्मार्टफोन के पीछे मत भागो, या 5G के पीछे मत भागो। तो बस यही था इस पूरी वीडियो का मोटिव, आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा और आपको मतलब पॉइंट्स वगैरह समझ आ गए होंगे। कोई डाउट है या अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में जाके बता दीजिए जो भी आपको बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली ताकि वो भी इस जाल में ना फंसे कंपनीज के, और फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को ताकि आपको ऐसा ऑसम कंटेंट मिलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।